हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। और उसके साथ साथ ये जॉब खास कर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास लैपटॉप का दिक्कत है या इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो ये जॉब उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज जिस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इस कंपनी से आपको पूरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप दिया जाता है ताकि आप लोग अपने घर बैठे इस काम को कर सके। कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस करना है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पे आप लोग जरूर बने रहिए। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, ये वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है अमेज़न। अमेज़न में आप लोग एज ए वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। अगर आप लोग 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उससे ऊपर अगर आप लोग के पास ग्रेजुएट है, आप जो भी कर रहे हैं BCA MCA जो भी कर रहे हैं, तो भी आप लोग यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी दिया जाएगा वो है 30,000। उसके साथ साथ और भी काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा जॉब में, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सीधा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर आपको बाकी का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, उसके साथ साथ कैसी यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा वेबसाइट की तरफ लेके जाके बाकी का डिटेल मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके बाकी का डिटेल मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे आप लोग पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, उसके बाद वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट मध्य प्रदेश, अगर आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक जगह के लिए अलग अलग भी यहाँ पे है। अगर आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे हैं। अगर आपका कोई भी स्टेट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे पैन इंडिया जो है, पैन इंडिया मतलब आप इंडिया के कहीं भी है वहां से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे हैं, जैसे कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टेट मेंशन किया नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 140 लोकेशन पे ये जॉब अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल कस्टमर सर्विस साइट्स, इसका जो साइन है ऐसा है। तो ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि बैंगलोर हो गया, इंडिया के अंदर बैंगलोर हो गया, मैंगलोर हो गया, इंदौर, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और कोलकाता, ठीक है। इन सारे जगहों में ये जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया, टोटल 140 लोकेशन पे ये जॉब अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे पोस्ट किया गया हुआ है। तो इसको अगर नीचे आओ, यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट आपको दिया जाएगा यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 100-100 मील कार्ड, आपको मेल कार्ड दिया जाता है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको 5,00,000 का हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ भी अगर इश्यू हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउंस भी है, ओवर टाइम के लिए भी यहाँ पे अलाउंस दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि मैं पहले कह दिया था, अगर आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना तो इंटरनेट का पैसे भी आपको यहाँ पे अमेज़न दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट अलाउंस भी आपको मिलेगा। और क्या रोल्स रहेगा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग आके यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। देन असेसमेंट में आने के बाद ना आप लोग को ऐसे 4 टेस्ट लिया जाएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, वर्क स्टाइल्स असेसमेंट, वर्सन 4 स्किल टेस्ट, CS सिमुलेशन, ठीक है। इन सारे टेस्ट को आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं थर्ड नंबर में आ जाता हूँ, पोस्ट असेसमेंट, जहाँ पे फाइनल HR डिस्कशन होता है, राउंड होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा सैलरी के बारे में बताया जाता है, आपका प्रीवियस सैलरी कितना था, सब कुछ पूछा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन में। देन उसके बाद यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड की है उन सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई वो लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आप जो भी मेंशन किए थे सब कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। देन आपका जो पैन नंबर है, आपका जो आधार नंबर है, जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं उन सारे चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है। देन यहाँ पे उसके साथ साथ
आपका जितने भी सारे प्रूफ्स है, एडुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ यहाँ पे एचआर डिस्कशन जो राउंड होता है ना वहाँ पे ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, देन यहाँ पे आपके नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी और के नाम से अगर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अगर मैं पूरा बताने जाऊँ डिटेल में ठीक है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेहतर है मैं इस साइट का लिंक दे दूंगा, आप लोग आके यहाँ पे जरूर से पढ़ लीजिएगा। देन चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे मैं अप्लाई में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टेप्स टू टेक द रजिस्ट्रेशन फोटो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फोटो क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आपको फोटो खींचना होगा, फ्रेश होना चाहिए, कोई भी नॉइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि नॉइज हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का फोटो आपको खींचना है। तो जहां से आप लोग जिस भी डिवाइस से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी डिवाइस से आपको फोटो खींचना है। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करके नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो ये आपको पहले ही बता दिया, देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ। नेक्स्ट में आने के बाद ना यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम देना होगा, लास्ट नेम देना होगा, मेल आईडी भरना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, और आप लोग यहाँ पे ना सही से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर देना है। उसके बाद यहाँ पे है डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, तो यहाँ पे आई चूज नॉट टू स्पेसिफाई में क्लिक करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आया है सोर्स, हाउ डू यू हेयर अबाउट दिस जॉब। यहाँ पे इतना जरूरी ही नहीं है, ये आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स, एम्प्लॉई रेफरल एजेंसी, कैंपस कुछ भी दे सकते हैं। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लोग अपना नेटिव लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंस दीजिए, अगर आप लोग फ्रेशर है तो फ्रेशर दीजिए, ठीक है। आर यू विलिंग टू वर्क इन ए नॉन टेक्निकल कस्टमर सर्विस एसोसिएट रोल दैट रिक्वेस्ट You to work in shift and rotational week ops, तो यहाँ पे मैं yes कर दूंगा। उसके बाद दिया हुआ है please confirm that you are currently residing in the location mentioned in the respective job description, तो यहाँ पे मैं yes करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आप लोग कहा था आप लोगों को एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे use कैमरा में क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को खींच सकते हो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोटो नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे कंसेंट में क्लिक करना होगा, आई एग्री में क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से आई एग्री में क्लिक करके आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आप जो भी मेल, जो भी अपना ईमेल यहाँ पे आप लोग दिए थे उसी मेल पे ना आप लोगों को एक मेल भेजा जाएगा जहाँ पे आपको कन्फर्मेशन करना होगा, ठीक है। वहाँ पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे देके वेरीफाई कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास और एक मेल आएगा कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई की हैं और Amazon के तरफ से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ऐसा एक मेल आएगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पूरा अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दिया, और आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके जरूर से अप्लाई करने से पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग क्या अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी जानकारी आप लोग को और चाहिए, तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।